दोस्तों, जैसे कि एक टेक्नीशियन ने मुझे ये बोर्ड दिया था। ये बोर्ड ऐसा है कि पहले बार मुझे जब दिया था टेक्नीशियन ने, तब इसका ये LED धीमी जल रहा था। तो मैंने सोचा कि इसको सॉफ्टवेयर करके देख लो, लेकिन मैंने ये इसके कनेक्शन सारे बना के इसके सीरियल प्रिंट निकाली। तो पार्ट वन में जैसे दिखाया मैंने, वैसे इसकी सीरियल प्रिंट ऑटोमेटिक ही रिस्टार्ट हो रही थी। और ये सारे वोल्टेज जब मैंने चेक किए, तब यहाँ पे इस पॉइंट पे वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रहा था। तो इसीलिए मैंने इस कॉइल को निकाल के ये रेगुलेटर लगा के चेक किया मैंने। वोल्टेज देखे, वोल्टेज तो स्टेबल हो रहा था इस रेगुलेटर से, लेकिन इसकी प्रिंट स्टेबल नहीं थी। तब मुझे भी ऐसा लगा कि अरे, इसका MMC प्रोसेसर ख़राब होगा। फिर भी एक बार ट्राई करके देख लें में क्या क्या जाएगा। फिर भी मैंने इस कॉइल को फिर से भी लगा के बोर्ड पे इसकी MMC इरेज कर दी। और इरेज करने के बाद इसके वोल्टेज अब स्टेबल हो गए। अब चलिए इस बोर्ड को हम अब MMC करते हैं। इधर स्मार्ट आइडेंटिफाई पे क्लिक करते हैं और MMC ISP 3.3 वोल्ट, इसको ओके करते हैं। बोर्ड पे हमारा पावर सप्लाई ओके है और इसके वायरिंग भी बना दिए हैं मैंने। ये देखिए, क्लॉक CMD D0 और एक क्रिस्टल को भी मैंने ग्राउंड करके कर दिया है। और ये डिस्प्ले देखिए, इसका पैनल VCC भी ऑफ है। अब चलिए चलते हैं इस लैपटॉप पे, अब सेटिंग करते हैं इसको। सेटिंग में यूज़र boot 1, boot 2, RPMB EXT को चेक करते और 1.8 वोल्ट को ओके कर दे। इसके बाद इसको फुल MMC न करने से, फुल MMC नहीं करेंगे हम, कुल 20% ही कर देंगे। इसको ओके कर दे और अब राइट, ये हमारी हमारी EMMC फाइल है। इसमें से boot 1 को ओके करेंगे और ये हमारे राइट होने चालू हो गई। चलो, ये हमारी EMMC कंप्लीट हो गई। अब चलिए चलते हैं बोर्ड की तरफ। पहले इसकी पावर ऑफ कर देते हैं और इसके सारे कनेक्शन निकाल देंगे हम। ये लाइट बंद होने तक इंतज़ार करते हैं, पहले बंद होगी। अब इसके सारे कनेक्शन निकाल देते हैं। कनेक्शन तो निकाल दिए। अब इस बोर्ड को पावर देते हैं। अब देखिए, ये पहले से भी ज़्यादा ग्लो हो गया और अपना डिस्प्ले भी पैनल VCC भी ऑन हो गया और बोर्ड भी बूट होने शुरू हो गया। अब इसको हम अपग्रेड वाली फाइल डाल देते हैं। ये पेन ड्राइव मैंने लगा दिया है कंप्यूटर पे, इसको दिखा देता हूँ। देखिए, ये CTV अपग्रेड 1.5 GB की फाइल है ये, इसको हम इजेक्ट करते हैं। अब ये पेन ड्राइव हम निकाल के पहले बोर्ड की पावर ऑफ कर देते हैं। ऑफ हो गई और इसकी कीपैड की पावर बटन को दबा के रखेंगे हम। और
और हम इसको पावर देंगे। अब देखिए ये राइट होने शुरू हो गया। अब इसकी प्रोसेस चालू है। इंडिकेटर भी दिखाओ। अभी 65% हो गया। या 100% होने के बाद ये अपना पूरा बोर्ड शुरू स्टार्ट हो जाएगा। बाद बोर्ड स्टार्ट हो गया। पहले इसकी पावर ऑफ कर देते हैं। और इसको पेन ड्राइव को निकालेंगे हम अभी। बोर्ड को पावर दे देते। एक पावर इंडिकेटर लो हो गया, इसको स्टैंड बाय से निकाल देते। चलिए बोर्ड तो स्टार्ट हो गया। इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा इसको। अभी हम इसको यूनिवर्सल रिमोट यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद हम इसके रिमोट भी और लोगो भी चेंज कर देंगे। पहले टेस्टिंग के लिए हम यूनिवर्सल रिमोट यूज़ करने जा रहे हैं। देखिए बोर्ड तो स्टार्ट हो गया। इस तरह ये बोर्ड आप रिकवर कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।